हमीरपुर जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक जिला एक प्रोडक्ट में दूध व दूध से बनी चीजों को शामिल करने पर किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने कहा कि प्रदेश सरकार की स्वावलंबी योजना के तहत युवा स्वरोजगार अपना रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हुकम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना में कई लोगों को स्वरोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 70 से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। इसके लिए उन्होंने बैंकों का भी आभार व्यक्त किया जिनके सहयोग से लोग स्वरोजगार अपना रहे हैं। उन्होंने एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत हमीरपुर जिला को दूध प्रोसेसिंग में चयनित करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगामी समय में हमीरपुर जिला दूध से बने उत्पादों के लिए जाना जाएगा। दूध प्रोसेसिंग में एक बड़ी कंपनी नदौन ब्लॉक में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करेगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। भाई साहब आपका हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक क्रांतिकारी योजना है और मेरे हिमाचल प्रदेश में 80 से 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों से अपना कारोबार शुरू किया है और इसमें बहुत धन्यवाद है बैंक का भी जिन्होंने लोगों को सहयोग किया है और स्वावलंबन योजना से लोगों ने बहुत लाभ लिया है। आप डेयरी प्रोडक्ट भी इसमें जोड़ा है तो हाँ क्या बिल्कुल लाभ बिल्कुल, मिलेगा? माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन जो काम है या प्रोजेक्ट है उसमें मुझे बड़ी खुशी है और प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद है कि जिला हमीरपुर को ये चयनित किया गया है और आने वाले दिनों में हमीरपुर एक ऐसा जिला होगा राष्ट्र का या हिमाचल प्रदेश का कि यहाँ दूध की गंगा बहेगी और आपको बधाई के पात्र हैं। मेरी प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अब एक बहुत अच्छी कंपनी राष्ट्रीय लेवल की कंपनी नदौन में दूध प्रोटेक्शन के ऊपर काम करेगी और उम्मीद है कि वो 20 से 25 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट नदौन मंडल में नदौन ब्लॉक में करेगी।